स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी लाइव की कक्षा में। ठीक है, और आज हम लोग आपके रिमझिम 3 का पाठ 4 मन करता है पुनः अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 29 निकाल लीजिए। ठीक है, मन करता है एक प्यारी सी कविता है जिसे सुरेंद्र विक्रम ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप और मैं मिलकर इस कविता का पठन करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। चलिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो बच्चों, मैं सबसे यह प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप लोग बताइए, आप सभी का मन क्या करने को करता है? जो बहुत ज़्यादा मन करता हो, क्या बनने का या क्या करने का मन करता है, सभी मुझे बताइए चैट बॉक्स के द्वारा। आपका मन क्या करने को करता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। खेलने का, स्नेहंजना को खेलने का मन करता है, बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए बच्चों को। और दक्षा को भी खेलने का मन करता है। अच्छा, दीक्षा को स्पेस के बारे में जानने का मन करता है। अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका मन कुछ ना कुछ करने को करता ही है, जैसे आप लोगों को मन करता है खेलने का, पढ़ने का, है ना? तो उसी प्रकार इस कविता में जो छोटा सा बच्चा है उसका मन क्या क्या करने को करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कविता का पठन करेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों में अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब आइए पृष्ठ संख्या 30। ठीक है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो यह जो छोटा सा बालक है उसका मन बहुत कुछ करने को कर रहा है। तो चलिए इस कविता का अर्थ जानते हैं। तो यह जो छोटा सा बालक है वो जो चीज़ें देख रहा है उसका वही मन कर रहा है करने को, है ना? तो वो छोटा सा बालक है, उसे कोई ज्ञान नहीं है कि वो सूरज नहीं बन सकता, तितली नहीं बन सकता, पर वो छोटा सा बालक है इसलिए बालक के मन के द्वारा, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसके द्वारा वो सोचता है कि वो सूरज की तरह, चांद की तरह क्या करें, जो सूरज चांद कर रहे हैं वो भी उसी प्रकार क्या करें, दौड़ लगाएं। ठीक है, तो चलिए कविता के अर्थ को समझते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो सूरज क्या करता है, सुबह पूरब की दिशा से उगता है और पश्चिम
की दिशा में डूबता है, यानी वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। तो यह बालक भी चाहता है कि वह भी सूरज की तरह आसमान में दौड़ लगाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक है, फिर उसका मन क्या कर रहा है? मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो जब चांद निकलता है, साथ में क्या होता है, आसमान में बहुत से तारे निकलते हैं, है ना? तब बच्चा का मन क्या कर रहा है? बच्चा का मन भी यह कर रहा है करने को कि वह भी चांद की तरह सभी तारों में अकड़ दिखाए, यानी घमंड दिखाए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाली पंक्ति। मन करता है बाबा बनकर, बाबा किसे कहा जाता है? जो हमारे दादाजी होते हैं उसे यहाँ बाबा कहा गया है। ठीक है, जिसे ताऊजी भी कहते हैं। घर में सब पर धौंस जमाओ, तो वो घर के सबसे बड़े होते हैं, इसलिए वो घर में क्या करते हैं, धौंस जमाते हैं, या कह सकते हैं हम लोग धमकाते हैं, डराते हैं, है ना, छोटे से बच्चों को। तो सबके घर में दादाजी और दादी जी तो होंगे, है ना? किस किस के घर में दादाजी है? अच्छा, दीक्षा के घर में दादाजी, स्नेहंजना के घर में भी है। अच्छा, हाँ, तो दादाजी हमें क्या करते हैं, डांटते हैं कि आप लोगों को दादाजी? नहीं, किसी के दादाजी नहीं डांटते हैं। हाँ, सभी को प्यार से समझाते हैं, है ना? तो कविता में बच्चे को क्या लग रहा है कि वो दादाजी बनकर सबके ऊपर धौंस जमाए। ठीक है, अब उसके बाद आइए। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। फिर बच्चे को क्या लग रहा है कि उसकी पापा की तरह वो भी मूछें बढ़ाए। पर बच्चों की मूछें तो नहीं होती, बड़ों की मूछें होती हैं, परंतु वो देखता है और उसका मन करता है कि वो भी मूछें बढ़ाए। ठीक है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। ठीक है, और बच्चे को मन कर रहा है कि वो तितली की तरह, क्योंकि तितली एक जगह से दूसरे जगह उड़ती है या एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, उसी प्रकार बच्चा भी तितली की तरह उड़ना चाहता है। ठीक है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। क्योंकि आप सभी को पता है कोयल कैसे बोलती है, मीठा बोलती है, तो उसी प्रकार छोटा सा बालक कोयल की तरह बनना चाहता है और मीठे मीठे बोल, यानी मीठा मीठा बोलना चाहता है। और बच्चों, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मीठे बोल ही बोलने चाहिए, कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, सबसे प्यार से बातें करनी चाहिए और बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 30। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाओ। चींची ची चूचू चू शोर मचाओ। तो चिड़िया कैसे शोर मचाती है, कैसे आवाज निकालती है, चींची चूचू। तो बच्चा भी चिड़िया बनकर चींची चूचू करना चाहता है। ठीक है, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी यानी जिससे पतंग को उड़ाया जाता है। ठीक है, पीली लाल यानी वो रंग बिरंगे पतंग को उड़ाना भी चाहता है। ठीक है,
तो यह एक प्यारी सी कविता है जो सुरेंद्र विक्रम के द्वारा लिखी गई है, और जिन्होंने इस कविता के माध्यम से एक बच्चे के चंचल मन में उठने वाले मनोभाव को बताया है कि वह क्या क्या करना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो यह थी आपकी प्यारी सी कविता। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर किए थे, और आज देखते हैं कुछ और प्रश्न उत्तर क्या क्या है इसमें। आज हम लोग करेंगे आपके मन करता है पाठ से भाग दो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे। तो मैं इसमें कुछ प्रश्न दूंगी, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें तीन विकल्प रहेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। मन करता है डैश बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। जो खाली जगह दी गई है उसमें एक शब्द होगा। ठीक है, तो कविता के अनुसार आपको सही शब्द चुनना है। पहला शब्द दे रही हूं नाना, काका, बाबा। खाली जगह में कौन सा शब्द होगा? मन करता है खाली जगह बनकर घर में सब पर धौंस जमाओ। पहला विकल्प है नाना, दूसरा है काका, और तीसरा है बाबा। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। दक्षा, वेरी गुड। दीक्षा, वेरी गुड। ठीक है, सबने सही उत्तर दिया है। क्या होगा? बाबा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाओ। वेरी गुड। अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी डैश बढ़ाऊं। क्या होगा? पहला विकल्प है केश, दूसरा है मूंछ, बोल। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी डैश बढ़ाऊं। तीन ऑप्शन से तीन विकल्प है, केश, मूंछ और बोल। तो कौन सा होगा? वेरी गुड।
मूछ, ठीक है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न, मन करता है डैस बनकर नो सर मन करता है डैस बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। ठीक है, मन करता है डैस बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। पहला विकल्प है तितली, दूसरा है कोयल और तीसरा है पक्षी। कौन सा विकल्प सही होगा? वेरी गुड। सबने सही उत्तर दिया। स्नेहंजना बताइए क्या होगा? मन करता है डैस बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तीन ऑप्शंस हैं, तीन विकल्प हैं, तितली, कोयल या पक्षी। वेरी गुड स्नेहंजना, तितली। ठीक है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। ठीक है, अब चलिए उसके बाद वाले प्रश्न को करते हैं। मन करता है डैश बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। मन करता है डैस बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। पहला विकल्प है पक्षी, दूसरा है कौवा और तीसरा विकल्प है कोयल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। मन करता है डैस बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। वाह, वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। ठीक है, क्या होगा? कोयल। इस प्रकार से हमें कविता की पंक्ति पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया प्रश्न उत्तर? किसी को कुछ पूछना है? कुछ प्रश्न पूछने हैं मुझसे इस पाठ को लेकर? नहीं,
ओके ठीक है, फिर इस प्रकार से ही आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 3 या 4 विकल्प रह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस रह सकते हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन में टिक लगानी है, ठीक है। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, बाय।